फिक्की के निवर्तमान अध्यक्ष श्री आर वी कनोलिया जी, फिक्की की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नैनालाल किदवई जी, मंच पर आसीन मेरे दोनों दूसरे साथीगण और इस सभागार में उपस्थित फिक्की के मेरे बहुत ही स्नेही भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं फिक्की की पहली महिला अध्यक्षा को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज तक के सारे पुरुष अध्यक्षों को आप अपने कार्यकाल में भुलवा दीजिए, लोगों को लगे कि देखिए हमने एक महिला को चुना तो उनका कार्यकाल कितनी यशस्विता से पूरा हुआ। तो दो वर्ष पहले भी आई थी आपकी एजीएम को संबोधित करने, उस समय प्रसंग बजट का था। मुझे बताया गया था कि आप बजट के समय एजीएम करते हैं और एक परंपरा है कि वित्त मंत्री उसका उद्घाटन करते हैं और उसके तुरंत बाद आप नेता प्रतिपक्ष को बुलाते हैं, लेकिन पिछले दो बार से आप बजट से हटकर एजीएम कर रहे हैं। पिछली बार का एजीएम आपने किया तो उसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया और साथ में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को बुलाया, शायद प्रणब मुखर्जी को और अरुण जी को बुलाया। इस बार मुझे आमंत्रित करने आए तो कहा कि हम बजट के समय तो एजीएम नहीं कर रहे लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हमारी परंपरा है कि उनके साथ नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए, आप आइए। मैं उस परंपरा का निर्वहन करने आई हूँ और आपके बीच हाजिर हूँ। इस बार का विषय आपने रखा है इकोनॉमी, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था, उद्यम और रोजगार। मित्रों, ये तीन अलग विषय नहीं है, ये एक ही विषय के तीन पहलू हैं। उद्यमी उद्यम लगाएगा तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के जेब में खरीदने की ताकत बढ़ेगी और ताकत बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा। तो उद्यम और रोजगार से मिलकर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, इसलिए इन तीनों का बहुत सीधा रिश्ता है। मेरे सामने उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां बैठी हैं, इसलिए मैं अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में नहीं जाऊंगी, जीडीपी कितनी और फिस्कल डेफिसिट कितना और एग्रीकल्चर दर कितनी और उद्योग दर कितनी, आप इन आंकड़ों को रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज इनका आकलन करते हैं और रोज इन पर टिप्पणी भी करते हैं, मैं उसमें आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगी। लेकिन एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी, वैसे मुझसे पहले कनुरिया जी ने उस पूरे पीरियड का जिक्र किया कि 1998 में जब हम शासन में आए थे तो हमें एक बहुत जर्जर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, पर 6 साल बाद जब हम सरकार से बाहर गए तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था धरोहर के रूप में छोड़कर गए। और इस बात को केवल मैं नहीं कह रही हूं, उस समय के वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण, पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हुए उसको स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था को मैं इनहेरिट कर रहा हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज जो अर्थव्यवस्था की दशा दुर्दशा है कि 8 सालों में ये अर्थव्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए और सुदृढ़ होनी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण है कि वो ध्वस्त होकर धराशायी हो गई। मैं यहां शिकायत करने नहीं आई हूं, पहले ही पीएम कह रहे हैं कि पेसिमिज्म का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है। पेसिमिज्म का एटमॉस्फेयर अकेले नहीं है, सिनिसिज्म का एटमॉस्फेयर है, निराशा भी है और अनास्था भी है। आपने मुझे बुलाया है कि शायद मैं कोई आशा की किरण आपको दिखा सकूं, इसलिए मैं आपको निराश नहीं करूंगी, मैं आपको डिसअपॉइंट करने नहीं आई और इसलिए केवल शिकायती स्वर में अपनी बात कहकर चली जाऊं ये नहीं होगा। मैं तथ्य आपके सामने रखूंगी, उनके कारणों का जिक्र भी करूंगी
मगर उनको सुधारने के उपाय भी बताऊं। हम कैसे इससे उबर सके इसकी भी चर्चा करूं। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का ताल्लुक है मित्रों, विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसको एक बहुत पोटेंशियल इकोनॉमी माना है, और यहां तक पोटेंशियल इकोनॉमी माना है कि भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है। लोगों का मानना है कि अमेरिका और चाइना की कतार में भारत खड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो ये प्रेडिक्शंस करते हैं, जब वो ये भविष्यवाणियां करते हैं, तो उसके साथ कुछ केवियट्स लगाते हैं, कुछ प्रोविजोज लगाते हैं। भारत विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है बशर्ते, बशर्ते क्या क्या करें, वो एक लिस्ट आई है मेरे पास, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। भारत विश्व की आर्थिक शक्ति बन सकता है प्रोवाइडेड इट इंप्रूव्स गवर्नेंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑफ यूथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी, एंड बिसाइड्स दिस इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड इंट्रोड्यूसेस क्रेडिबल फिस्कल पॉलिसी। सूची बड़ी लंबी लगती है, लेकिन सूची अनडूएबल नहीं है, सूची अचीवेबल है, और हमारे कुछ राज्यों ने अचीव करके दिखाया है, मैं उसकी बात बाद में करूंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए केवल सही नीतियों की जरूरत नहीं होती, उससे ज्यादा जरूरत होती है सही वातावरण की, सही एटमॉस्फेयर की, सही माहौल की। हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनकी पेंट की फैक्ट्री थी, पेंट का बिजनेस था, तो उन्होंने एक बार बातचीत में मुझे कहा कि बहन जी, हमारा व्यवसाय लोगों की खुशहाली पर निर्भर करता है। अगर लोग खुश हैं, घर परिवार में आमदनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, कोई शादी ब्याह है, तो लोगों को सूझता है कि अब घर में अच्छा रंग रोगन भी करवा लो, दरवाजों पे भी करवा लो, दीवारों पे भी करवा लो, तो हमारा बिजनेस चलता है। लेकिन अगर गमगीनी का वातावरण है, घर में कोई खुशी नहीं है, आमदनी की कमी है, बच्चे की नौकरी नहीं है, तो पेंट उनकी लास्ट प्रेफरेंस भी नहीं होता। इसलिए लोग खुश रहेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। कल मैं इस छोटी सी कही हुई बात को देश के संदर्भ में अप्लाई कर रही थी कि कितना सच है। अगर एक अच्छा वातावरण है, सकारात्मक निर्णय हो रहे हैं, फाइलें आगे खिसक रही हैं, पूंजी टाई अप हो रही है, बैंक ऋण दे रहे हैं, तो चारों तरफ आपको उद्यम दिखाई देता है, एंटरप्रेन्योरशिप खिल उठती है। लेकिन अगर वातावरण गमगीन है, लोग भयाक्रांत हैं, फैसले होते नहीं, लोग डरे डरे हैं, हर दिन भ्रष्टाचार का एक नया प्रकरण उजागर हो रहा है, उद्योगपति जेल भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे वातावरण में क्या आप समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है? लेकिन जिस पेसिमिज्म की बात पीएम यहां कर गए, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण विपक्ष ने नहीं निकाला, एक भी प्रकरण उजागर किया तो किसने किया? सीएनडीजी ने। सीएनडीजी कौन है? वो व्यक्ति जिस पर संवैधानिक दायित्व है, वो संस्था जो बनाई ही इसलिए गई है कि वो सरकार का लेखा जोखा देखे। अगर वो सरकार का लेखा जोखा देखकर ये पाती है कि सीडब्ल्यूजी में 76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2G में 1,76,000 करोड़ का लॉस हो गया, कोल आवंटन में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, तो आप समझते हैं कि क्या विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? अगर इस तरह की चीजें सामने आएंगी तो विपक्ष जनता का प्रहरी है। अगर रूलिंग पार्टी को जनता शासन की जिम्मेदारी सौंपती है, तो हमको पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपती है।
हम अपने उस कर्तव्य में पीछे नहीं हट सकते। तो ये प्रकरण उठाए हमने उनसे हैं, लेकिन उजागर तो सीएनए जी ने किया। और अगर सीएनए जी इस तरह के प्रकरण उजागर करता है तो कहीं सरकार को आत्मचिंतन करना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। ये वातावरण में जो नकारात्मकता आई है इस सारे के बाद, जैसे मैंने कहा कि फाइलें खिसकती नहीं है, लोग निर्णय करते हुए डरते हैं, पूंजी वाला भी पूंजी दबा के बैठा है कि अभी नहीं, माहौल सुधर जाने दो, कब लगाऊंगा, और यह बाहर का रास्ता दिख रहा है कि देश में तो माहौल ही नहीं, तो चलो बाहर जाकर के पूंजी लगाओ। तो इस वातावरण के लिए जिम्मेदार कौन है, ये मेरा पहला सवाल है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मैं केवल शिकायत करके नहीं चली जाऊंगी, मैं उन्हें जिम्मेदार मानती हूं, इस वातावरण के लिए सरकार के लोगों को जिम्मेदार मानती हूं, शासकों को जिम्मेदार मानती हूं। लेकिन क्या देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? उन्हें जिम्मेदार मानते हुए भी हमें रास्ता निकालना होगा। और इसलिए मैं फिक्की के लोगों से कहना चाहती हूं कि ये जो आप प्रधानमंत्री को पहले बुलाते हो, नेता प्रतिपक्ष को बाद में बुलाते हो, इसके बजाय आप एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करिए, एक नेशनल डायलॉग करिए, और उस नेशनल डायलॉग में शासकों को भी बुलाइए, प्रतिपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाइए, इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाइए, और उसके साथ सीएमए जी को बुलाइए, सीवीसी को बुलाइए, सीबीआई के डायरेक्टर को बुलाइए, और बैठाइए साथ और कहिए उनको कि केवल चोरी पकड़ना तुम्हारा काम नहीं है, चोरी कैसे रुके इसके लिए भी कोई तंत्र विकसित करना होगा। और इकट्ठे बैठकर चर्चा करिए, मैं तैयार हूं उसमें आने के लिए। जब तक हम वो तंत्र विकसित नहीं करेंगे, आखिर कारण क्या है? क्योंकि सिस्टम पारदर्शी नहीं है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियां हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं, और जिनको बाद में सीएनए जी पकड़ता है, जिनको बाद में सीवीसी सजा देता है, सीबीआई जिसका इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन क्या हम इसी चक्र में फंसे रहेंगे, इस विशेष सर्कल से बाहर नहीं आएंगे? अगर इस विशेष सर्कल से बाहर आना है मित्रों, तो एक नेशनल डायलॉग करना होगा, साथ बैठकर करना होगा, और उन्हीं लोगों से कहना होगा कि ये जो आप बाद में पकड़ते हो, बाद में इस तरह की चीजें निकाल के लाते हो, आओ बैठकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें, और जिसमें से ये निकालें कि ऐसा तंत्र विकसित हो जिसमें ऐसी घटनाएं हो ही नहीं, एक पारदर्शी सिस्टम आ जाए, और उस पारदर्शी सिस्टम के चलते, और जिसमें जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हों, जिनके साथ बैठ करके ये डायलॉग हो। इस स्थिति से उबरना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा पहला सुझाव आपको यह है कि इस तरह का एक नेशनल डायलॉग आप अरेंज करिए, जिसमें उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को और मुखियाओं को बुलाइए, हमें और प्रधानमंत्री को या उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए, और एक ऐसा सिस्टम हम विकसित करें जिससे ये जो एक अनास्था का वातावरण, जो एक निराशा का वातावरण देश में व्याप्त हो गया है, इससे हम निकल सकें। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट डुएबल है, ये अचीवेबल है, लगती लंबी है, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी बहुत सी राज्य सरकारों ने ये करके दिखाया। इसमें गवर्नेंस इंप्रूवमेंट की बात है, अभी गुजरात और तमिलनाडु का जिक्र आपने स्वयं किया, अभी मैं मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में गई थी, लाखों करोड़ों के एमओयू साइन हुए, क्यों? वो भी तो उसी देश का हिस्सा है। लेकिन अगर आज आप उद्योगपति को कहिए तो वो गुजरात सबसे पहले जाना चाहता है, मध्य प्रदेश जाना चाहता है, तमिलनाडु जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वो प्रोजेक्ट लेकर जाएगा तो प्रोजेक्ट की क्लियरेंस में अगर मगर किंतु परंतु नहीं होगा, महीनों या साल नहीं लगेंगे, तुरंत उसका क्लियरेंस होगा, जो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। आपने इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की बात की इस लिस्ट में, एनवायरमेंटल क्वालिटी की बात की, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए क्लाइमेट चेंज में वो सबसे आगे रही है, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का अंबार लगा, हब ऑफ एजुकेशन बनाया हमने हिमाचल को। इसमें इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात है, हमारी गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है, राष्ट्रीय औसत आज कृषि विकास दर का 3% है,
लेकिन मैं माथा ऊंचा करके कह सकती हूँ गुजरात में कृषि विकास दर 11% है और मध्य प्रदेश में 18%। लोग हैरान होते हैं सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको आंकड़ा देती हूँ कि ऐसा कैसे हुआ है। मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर भूमि केवल सिंचित थी, सिंचाई के नीचे थी, 7 लाख हेक्टेयर। आज 22 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के नीचे है, सिंचित रकबा है, यहां पर कल्टीवेशन हो रहा। गुजरात में 10,000 एकड़ भूमि ड्रिप इरिगेशन के नीचे थी, 10,000 एकड़, और आज 7 लाख एकड़ भूमि 70 गुना ड्रिप इरिगेशन के नीचे है। तो जहां इच्छा शक्ति है, जहां माहौल है, उन्होंने करके दिखाया। इस लिस्ट का एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी राज्य सरकार ने नहीं करके दिखाया। यह हो सकता है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है और माहौल की जरूरत है, वातावरण की जरूरत है। बहुत बार प्रधानमंत्री आप लोगों को कह देते हैं कि हम क्या करें, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, विपक्ष हमारा साथ नहीं देगा, और खासतौर पर लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में कहते हैं, बिलों के बारे में कहते हैं कि बिल ये निकालने नहीं देगा। मित्रों, ये बात सत्य से बिल्कुल परे है। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहती हूं कि अगर बिल नहीं निकल रहे तो सरकार के अपने अंतर विरोध के कारण नहीं निकल रहे, इनके अपने घटक दलों के विरोध के कारण नहीं निकल रहे। एक उदाहरण देती हूं पेंशन बिल का। जिस समय पेंशन बिल लेकर के ये आए, उस समय प्रणव दा वित्त मंत्री थे, उन्होंने मुझे, अरुण जी को और अडवाणी जी को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने हमसे कहा कि इस पेंशन बिल में आपको क्या आपत्ति है। हमने कहा जी एक ही आपत्ति है, वो दूर कर दीजिए, हम बिल पास करा देंगे कि पेंशनर को बुढ़ापे में सिवा पेंशन के और किसी दूसरी चीज का सहारा नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि उसका पैसा सट्टे में लगाकर और किसी दिन उड़ाकर आप खुद दूर कर दें। इसमें एक क्लॉज डाल दीजिए अश्योर्ड रिटर्न की, कि इतना तो जरूर उसे मिलेगा ही मिलेगा, और उस अश्योर्ड रिटर्न को ईपीएफ से जोड़ दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में यूनियंस हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छी रिटर्न ले लेती है। बेचारे बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे रिटर्न मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो समझते थे चीज को, उनका आई सी मैरिट इन योर आर्ग्यूमेंट, दिस इज अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो मैंने कहा आप ये कर दीजिए, हम बिल पास करा देंगे। उन्होंने मान लिया करने के लिए। बिल इंट्रोडक्शन के समय आया, वामपंथियों ने विरोध किया, डिविजन मांग लिया। यहां बैठे हैं मेरे साथी लोकसभा के, वो साक्षी हैं इस बात के। खड़े होकर मैंने कहा कि हम 7 वोट करेंगे सरकार के और इस बिल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और विपक्ष के नाते उस डिविजन में हमने 7 दिया और बिल इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब बिल पर चर्चा कराने का समय आया, उस समय तृणमूल कांग्रेस के लोग सरकार के घटक दल में थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि बिल कैबिनेट में आए। पार्लियामेंट में आने की बात को वोट कर, और बिल कैबिनेट में भी नहीं आ सका, सत्र पूरे का पूरा निकल गया मगर उस पर चर्चा नहीं हो। ऐसे बीसियों उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं। ये अंतर विरोध इनके घर का है। बहुत बार कह देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कि ये गठबंधन की मजबूरी है। भैया, गठबंधन की सरकार तो हमने भी चलाई थी, हमारी सरकार कोई अपने स्वयं के बहुमत की सरकार नहीं थी। बीजेपी को 272 नहीं मिले थे और हमारा कोलिशन तो आपसे भी बड़ा था, 24 दलों का कोलिशन था। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जब मैं बैठक बुलाया करती थी तो सिंगल पार्टियों को मिलाकर 24 पार्टियां बुलाती थी, लेकिन उस कोलिशन को हम कैसे मैनेज कर रहे। गठबंधन में तो अंतर विरोध होते हैं, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग पृष्ठभूमि, और अलग अलग ना हो तो वो अलग दल ही क्यों हो। लेकिन किसी एक प्रोग्राम को साथ लेकर के इकट्ठे आते हैं, पर कारण क्या था। अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी लीडर थे। आज जो सबसे बड़ी कमी है सरकार में वो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना देश के हैं। तो पार्टी के भी लीडर नहीं, उनकी तो पार्टी के भी लीडर कोई और है।
और इतने बड़े देश को संभालने के लिए मित्रों एक नेता की आवश्यकता होती है, और नेता भी वो जो जन नेता, जो मास लीडर। और ये हमारा सौभाग्य था कि हमारी गठबंधन की सरकार का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसका स्टेचर था, जिसकी रिस्पेक्ट थी, जो कद्दावर नेता था, जिसका आदर लोग करते थे। और इसलिए मैंने स्वयं देखा कि भांत भांत के लोग जो हमारे साथ थे उनमें से किसी को प्यार कर, किसी को फटकार कर, किसी को संभाल कर, किसी को बहला कर, किसी को सहला कर वो सरकार चलाते रहे। और उन्होंने सरकार भी चलाई और उसके साथ साथ बहुत बड़ी विजन रख करके बहुत बड़े बड़े फैसले भी किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये लाखों करोड़ों रुपयों की योजनाएं थी जो हमारे समय में बनी और एग्जीक्यूट हुई। इस सरकार ने आते ही कुछ को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर तो काम ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय देकर कहना पड़ा कि देश के हित में है, बाढ़ और सुखाड़ दोनों को समाप्त करने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कछुए की चाल चल रही है, और एनएच जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थी, जिस समय कमलनाथ मंत्री थे संसद में, उन्होंने कहा था कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन हम ये सड़क बनाएंगे, नेशनल हाईवे बनाएंगे। आंकड़ा निकल करके आया कि 2 किलोमीटर प्रतिदिन भी नहीं बन रही। अब ये सब क्या विपक्ष ने रोक रखा है? इस सबके लिए जिम्मेदार क्या प्रतिपक्षी दल हैं? योजनाएं विचार के रूप में आपको दे दी गई, योजनाएं एग्जीक्यूशन के स्तर पर आपको दे दी गई, केवल उनको आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन आपकी सरकार के शासन काल में वो योजनाएं आगे भी नहीं बढ़ रही, नहीं तो बननी क्या थी। तो इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा कारण इसमें यह है, नेतृत्व की कमी है। व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो सकता है लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर लीडर नहीं हो सकता। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये कि सरकार के पास कोई लीडर नहीं है, सरकार के पास प्राइम मिनिस्टर जरूर है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी हो रहा है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप। भारत की उद्यमशीलता पर हम लोग गर्व करते हैं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी जनरेशन और हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यंग है। जब भारत के एडवांटेजेस लोग दिखते हैं, भारत की स्ट्रेंथ्स गिनते हैं, तो भारत की स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर आता है हमारी पॉपुलेशन का युवा होना। और एक प्रोजेक्शन तो ऐसा आया जिसमें लोगों ने यह कहा कि 2020 तक भारत की एवरेज एंटरप्रेन्योर एज 29 होगी, जो कि अमेरिका में 48 है और चाइना में 37। 48 और 37 के मुकाबले आपका एंटरप्रेन्योर 29 साल की औसत एज का होगा। उसमें विजन है, उसमें डायनेमिज्म है, उसमें लगन है, सिर्फ उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कंट्रोल हटा दीजिए, एक मुक्त व्यवस्था दीजिए और भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था में उसको पनपने का मौका दीजिए। देखिए वो भारत को कहां से कहां पहुंचाता है। क्या कारण है कि 22-23 साल के लड़के अमेरिका में सीईओ बने बैठे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के? केवल अंतर परिवेश का है, उसी क्षमता के लोग यहां हैं। मैंने एक बार एंटरप्रेन्योरशिप के ये जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ना करने के उसका एनालिसिस किया था। 4 फैक्टर्स मैंने निकाले थे। वो 4 फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ वेल कंसीडर्ड नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा है डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग लोन्स फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, डिफिकल्टीज इन इन्वेस्टमेंट्स बाय एंजल इन्वेस्टर्स, सूटेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोलेटरल एंड लो रीच, थर्ड है सोसाइटल बिहेवियर इन सम एरियाज और रीजन ऑफ द कंट्री विच डेनिग्रेट्स फेलियर
and attaches a stigma, and therefore entrepreneurs are unwilling to take risks. And fourth is entry and exit barriers. अब इसके लिए भी क्या उपाय है? उपाय है कि देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल पॉलिसी चाहिए। एक ड्राफ्ट आया है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बॉडी के द्वारा एक ड्राफ्ट आया, लेकिन उस ड्राफ्ट को मैंने देखा, वो सॉफ्टर इश्यूज को एड्रेस करता है। अवेयरनेस लेके आओ, मेंटरिंग करो, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव, बेसिक इश्यूज हैं, बैरियर्स ऑफ ग्रोथ, उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, एक तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क तुरंत इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होने के बाद इसको फाइनल शेप दे देनी चाहिए। बहुत बहुत दिन तक ड्राफ्ट सर्कुलेटेड घूमता रहता, उस पर कोई फाइनल शेप ही नहीं बनती, उसकी कोई फाइनल व्यू ही नहीं दिया जाता। इसलिए बेहद जरूरी है कि ये जो ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट में जो भी संशोधन करने हैं, वो संशोधन करके एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी देश के अंदर आए। आज का युवा मुंह बाय देख रहा है, और एक बार ये पॉलिसी आ गई, उसके हित की पॉलिसी आ गई, तो आप देखिए वो लपक लेगा इसको। लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि आज के शासकों का विश्वास अपनी उद्यमशीलता में कम है, अपने एंटरप्रेन्योर्स में कम है। उन्हें सारे की सारी चीजों का इलाज केवल एफडीआई में दिखाई पड़ता, विदेशी पूंजी आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हैरान हो रही थी कि हमारे यहां जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, उनके लिए 100% एफडीआई कर दी है सरकार ने, 100% एफडीआई, और कितने से बढ़ाई है, 24% से। अब ये जो हम एफडीआई रिटेल पर विरोध कर रहे थे, उस समय खड़े होकर के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमने अपनी पॉलिसी में ये डाला है कि 30% कम से कम, उन्होंने कहा, मैं मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 30% माल आपको हमारे अपने छोटे और मझोले उद्योगों से जरूर खरीदना होगा। लेकिन वो इस बात को गोल कर रहे कि हमने एसएमईज में 100% एफडीआई कर दी है। अब अगर 100% विदेशी पूंजी छोटे और मझोले उद्योगों में आ रही है, तो वो आएंगे, अपनी एसएमईज बना लेंगे और उनसे 30% माल खरीद के आपकी पॉलिसी को पूरा कर देंगे कि हमने 30% आपके डोमेस्टिक एसएमईज से खरीद लिया, जबकि वो पूरी की पूरी विदेशी पूंजी से बनी हुई एसएमईज होगी। और ये बात अभी इसी 29 नवंबर को एक सवाल के जवाब में सरकार ने स्वयं मानी। हमारे बीजेपी के एक एमपी हैं अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने सवाल किया था, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। जवाब है, यस मैडम, टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, the foreign direct investment in micro and small enterprises has been raised to 100% from 24%. However, FDI in MSMEs is subject to sectoral caps and other relevant sectoral regulations. तो जहां शासकों को भारत की मौलिकता में विश्वास ही नहीं है, अपनी उद्यमशीलता पर भरोसा ही नहीं है, और कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में ये दर्ज हो गया है कि एफडीआई आएगी और सारे चीजों का समाधान करके चली जाएगी, वो कैसे चीजों को सुधारेंगे, वो कैसे माहौल को सही बनाएंगे, कैसे उसको संभालेंगे? मुझे नहीं मालूम अभी एफडीआई रिटेल की चर्चा आप में से कितने लोगों ने लोकसभा में सुनी। हम ऐसा विदेशी पूंजी के विरोध में नहीं, हमने अपने समय में, अभी कनौरिया जी बता रहे थे कहां कहां एफडीआई खोली, एज आई एम बी मिनिस्टर मैंने 26% प्रिंट मीडिया में खोली। हम एफडीआई एज सच के खिलाफ नहीं, अगर आपने उस भाषण को सुना हो तो मैंने तो खड़े होकर ऑफर किया था प्रधानमंत्री को कि हम केवल एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल का विरोध कर रहे हैं, और वो भी इसलिए कि खुदरा व्यापार में 4 करोड़ लोग सीधे लगे हैं और 20 करोड़ लोग उनके कारण से रोजी रोटी खा रहे हैं। अगर आपको लगता है
कि आपके इस निर्णय को बदलने से इन्वेस्टमेंट सिनारियो खराब होगा, देश के बाहर गलत संदेश जाएगा। तो मैंने कहा था मैं ऑफर करती हूँ यहाँ खड़े होकर, आपने जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाना है आप मुझे ले जाइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उन्हें कहने को तैयार हूँ कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में आना है, आप आइए, आपका स्वागत है। आप पावर में आइए, एविएशन में आइए, पोर्ट में आइए, एयरपोर्ट में आइए, लेकिन भैया दाल चावल बेचने हमें आते हैं वो बख्श दीजिए, वो हम स्वयं बेच लेंगे, उसमें कोई बड़ी तकनीक की जरूरत नहीं, वो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। और मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी हम आपको हरा कर अपनी जीत दर्ज कराना नहीं चाहते, हम आपको मना कर अपनी जीत दर्ज कराना चाहते हैं। तो विपक्ष हठी नहीं है मित्रों, हमारी तो पार्टी का मोटो है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लेटर। पहले दिन से जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे वो यही कहते थे, हर चीज ये सोचकर मत करो कि चुनाव में जीत होगी कि नहीं होगी, ये सोचकर करो इससे देश का हित सधेगा कि नहीं। इसलिए जो आपके मन में एक प्रश्न उभरता है कन्हैया जी, क्या उस दिन नैना जी जब मुझसे मिलने आई थी तब उनको लगता था कि कहीं हम ऑपोजिशन ऑपोजिशन सेक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, यार रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। ये देश हमारा है, सरकारें आती जाती रहेंगी, 6 साल हम थे आज ये आ गए, कल ये चले जाएंगे फिर हम आ जाएंगे, लेकिन देश वही रहेगा। इसलिए देश के लिए जो सही होगा, प्रतिपक्ष की बेंचों पर बैठे हुए भी हम वो करने के लिए तैयार हैं और करते रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। आपके विषय का जो तीसरा पहलू है वो रोजगार। अब मैं कोई और आंकड़ा तो नहीं देना चाहती, लेकिन एनएसएसओ का एक जो 66 राउंड आया है, केवल उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ 66 राउंड सर्वे रिव्यू शॉकिंग डेटा। और व्हाट इज दैट डेटा? एनएसएसओ शोज the UPA government generated only 2 million jobs between 2004 and 2009, even as the economy grew at the rate of 8.43% annually. The employment numbers present a stark contrast to the Planning Commission's target of 58 million jobs in the 5 years between 2007 and 2012. The new NSSO survey numbers have added on to the pile of problems and corruption charges that the UPA has been involved during its second tenure. Many are now referring to this tenure as the face of jobless growth. The figure 2 million new jobs looks worse when one looks at the number of new jobs the NDA government generated between 1999 and 2004, that is 62 people. Ab ye mera ghada hua aankda nahi, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह हिंदुस्तान का, मैंने सीएनएजी की बात की, उसी तरह से सैंपल करने का सबसे ऑथेंटिक बॉडी, सबसे प्रामाणिक संस्था। और वो फिगर दे रहे हैं कि हमारे समय में 62 मिलियन यानी 6,20,00,000 जॉब्स लगे और इनके 5 साल में 20 लाख। टारगेट रखते हैं 58 मिलियन का, पैदा करते हैं जॉबलेस ग्रोथ 2 मिलियन। तो कहीं ना कहीं मिसमैच है, कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। उस डिस्कनेक्ट को खत्म करना है कि नहीं करना? इससे अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी? आप उद्यम भी लगा दीजिए, आप एफडीआई भी ले आइए, लेकिन अगर देश के लोगों को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो उनके खरीदने की ताकत ही नहीं बढ़ेगी, उनकी जेब खाली रहेगी। और जब उनकी जेब खाली रहेगी तो कौन सी इकोनॉमी की बात आप करते हैं, कौन सी अर्थव्यवस्था की बात आप करते हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं। उद्यमी उद्यम लगाए और ऐसा लगाए जिससे रोजगार मिले,
और उद्यम और रोजगार से अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इंडियन इकोनॉमी मजबूत हो, वो इंडियन इकोनॉमी जिसकी संभावनाओं के बारे में अर्थशास्त्री कहते हैं कि वो भारत की तीसरी आर्थिक शक्ति बन सकता है। तो सब कुछ हमारे यहाँ है, नौजवान पॉपुलेशन है, विजन है, लगन है, काम करने की क्षमता है, तो कमी कहाँ है? इसलिए कमी अगर माहौल में है तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, तो उस माहौल को सुधारने के लिए इकट्ठा बैठने की जरूरत है। ये कुछ करें और हम केवल विरोध करें, ऐसा नहीं होगा। मैं स्वयं यहाँ खड़े होकर कह रही हूँ, मैंने संसद में भी ये बात कही थी और आज पुनः आपके सामने ये बात कह रही हूँ कि एक नेशनल डायलॉग अरेंज करके और उस नेशनल डायलॉग में से रास्ता निकलेगा, एक नया तंत्र विकसित होगा जो भ्रष्टाचार विहीन होगा, जो इस नकारात्मक ध्वनि वाले वातावरण को सकारात्मक ध्वनि में बदलेगा, और वो जो यंग पॉपुलेशन आज हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है, उसकी आशाओं को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनकी आशाओं को हमने खत्म करने का काम किया तो वो फिर एक क्रांति की तरफ हमको ले जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश में फिर उस तरह की क्रांतियां हों। हम चाहते हैं शांति से ये देश आगे बढ़े, और मैं तो निराशावादी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तो एक शायर की दो पंक्तियाँ हमेशा याद रहती हैं और उसी से अपनी बात यहाँ भी समाप्त करना चाहूँगी कि जहाँ पर बंद होते हैं सभी ये रास्ते आकर, जहाँ पर बंद होते हैं सभी ये रास्ते आकर, वहीं से फूट पड़ती हैं नई राहें जमाने की। Thank you so much.